हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज मैं दिखाऊंगा आपको मार्शल अटैक के बारे में मेन लाइन, और हमने मार्शल अटैक में दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आज मार्शल अटैक की मेन लाइन के बारे में डीप में देखेंगे। मार्शल अटैक रुई लोपेज ओपनिंग में होता है, स्पेनिश गेम में होता है। e4, e5, नाइट f3, nc6, bb5, a6, बिशप a4, नाइट f6, वाइट कैसल करता है। वाइट ने e4 पोन आपको सैक किया है, लेकिन ये अभी लेना दोस्तों बहुत ही डेंजर है, क्योंकि नाइट टेक्स e4 में re1 आता है, फिर d4 आता है, और बहुत ही अग्रेसिव अटैक वाइट की ओर से आ जाता है, क्योंकि आपका f8 पे बिशप अभी भी पड़ा है और किंग को सेंटर में रहने देता है। तो इस पोजिशन में सबसे पहले आपको नाइट e4 नहीं करना है, बिशप e7 करना है। बिशप e7 के बाद वाइट रुक e1 खेलता है। अब आपको b5 करना है। b5 इसलिए कि अब आपका जो e5 वाला पॉन है वो थ्रेट में है। बिशप टेक्स c6 देन नाइट टेक्स e5, ये एक थ्रेट है वाइट की ओर से। तो यहाँ तुरंत आपको b5 खेलना है। वाइट खेलेगा बिशप b3 और यहाँ आपको कैसल करना है। अब कैसल करने के बाद, इतने मूव्स के बाद, अगर वाइट c3 खेलता है तो समझ लेना कि वाइट ने मार्शल अटैक एक्सेप्ट कर लिया है, और यहाँ पे आपको e5 वाला पॉन सेक्रीफाइस करना है, यानी कि आपको अब खेलना है d5। d5 के बाद वाइट पॉन टेक्स पॉन करता है, नाइट टेक्स d5, देन नाइट टेक्स e5, नाइट टेक्स e5, रुक टेक्स e5, और अब आपके नाइट के ऊपर दो अटैक है, बिशप और रुक का, तो इसे आपको सिंपली सपोर्ट करना है c6 पॉन से। ये बेस्ट ऑप्शन है ब्लैक की ओर से। अब वाइट अगर d4 करता है तो बिशप d6, ये वाइट ये मार्शल अटैक के मेन मूव्स है दोस्तों। इसके बाद वाइट कहाँ रुक को खेलता है ये डिपेंड है, पूरी गेम टर्निंग होती है। रुक e2 खेल सकता है, रुक h5 खेल सकता है, रुक e1 बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे पहले हम देखेंगे रुक e2। अगर वाइट ने रुक e2 खेला तो सिंपल आपको बिशप g4 खेलना है, f3, और फोर्स मूव है f3, क्योंकि बिशप से रुक पिन हो गया है, तो f3 फोर्स से बिशप h5 जाना है। उसके बाद नाइट बिशप टेक्स नाइट अगर वाइट मारता है, यहाँ पे पॉन टेक्स बिशप, नाइट d2, और उसके बाद f5। दोस्तों 16 मूव हो चुके हैं, और ये पोजीशन में मुझे नहीं लगता कि ब्लैक को कोई भी दिक्कत हो खेलने में, क्योंकि h2 पे टारगेट है बिशप का, तुरंत क्वीन h4 आ सकता है अटैक में, बहुत सारा ज़बरदस्त अटैक ब्लैक की ओर से हो सकता है। दूसरा वेरिएशन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप दूसरा वेरिएशन e4, e5, nf3, nc6, देन बिशप e7, रुक e1, b5, और उसके बाद कैसल, c3, d5, पॉन टेक्स, नाइट टेक्स, नाइट टेक्स, नाइट टेक्स, रुक टेक्स, c6, देन d4, बिशप d6, रुक e2। अब यहाँ पे दोस्तों एक और भी मूव मैं बताऊँगा, बिशप g4 से पहले आप क्वीन h4 भी खेल सकते हो, क्वीन h4। अब यहाँ पे फोर्स रिप्लाई देना होगा g3, और उसके बाद क्वीन h5। तो ये भी एक ज़बरदस्त अटैकिंग मूव है ब्लैक की ओर से। क्वीन h5 के बाद वाइट खेलेगा नाइट d2, नाइट d2 के आपको खेलना है बिशप h3। नेक्स्ट मूव में क्वीन f3 की थ्रेट है, अगर नाइट वहाँ से मूव करता है तो देन अनस्टॉपेबल चेकमेट आती है। तो यहाँ पे बिशप h3 इज ए बेस्ट ऑप्शन, वाइट f3 करेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको खेलना है बिशप c7। बिशप c7 एक वेटिंग मूव है, उसके बाद a4, यहाँ पे आपको सिंपल b4 खेलना है, c4, और रिप्लाई में देना है नाइट f6। ये पोजीशन भी काफ़ी बेटर है, ये भी अटैकिंग लाइन है, और आप दोनों तरीके से गेम खेल के ट्राई कीजिए। मैंने दो लाइन्स आपको बताई, पहली वाली लाइन में डायरेक्ट बिशप g4 करके हम अटैकिंग पोजीशन लेते हैं, और ये पोजीशन भी आप खेल सकते हो। दोनों पोजीशन ब्लैक के लिए काफ़ी बेटर है। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों RE1 के बारे में। RE1 में क्या होता है,
आर इवन के बारे में क्या ख्याल है दोस्तों? e4, e5, nf3, nc6, बिशप पहले मेन जो 10 मूव्स है वो आपको एकदम रट्टा मार लेना है मेरे हिसाब से। उसके बाद d4 के बाद बिशप d6, और यहाँ पे अलग अलग वेरिएशन है। पहले मैंने रुक e2 के बारे में बताया, अगर वाइट यहाँ पे re1 खेलता है तो जल्दी से आपको क्वीन h4 करना है, ये मेन अटैक है। यहाँ पे वाइट को फोर्सफुली g3 करना होगा। g3 अगर नहीं करता है और h3 करता है तो सिंपल बिशप सेक्रीफाइस आता है। तो g3 के बारे में क्वीन h3, उसके बाद वाइट के पास बेस्ट 3 ऑप्शन है, बिशप टेक्स नाइट, क्वीन f3 और क्वीन d3। तो पहले हम देखते हैं दोस्तों क्वीन f3 के बारे में। अगर वाइट क्वीन f3 करता है तो यहाँ पे आपको बिशप g4 खेलना है, क्वीन g2 आएगा वाइट एक्सचेंज करने के लिए। लेकिन याद रहे यहाँ पे आपको एक्सचेंज नहीं करना है क्योंकि ब्लैक की ओर से आप बहुत ही अटैकिंग पोजीशन में हो। तो सिंपल क्वीन h5, और क्वीन h5 के बाद यहाँ पे वाइट क्या कर सकता है? बिशप टेक्स नाइट, सी टेक्स बिशप, उसके बाद f4 और re8, बिशप e3, रुक e6। अब आपको रुक से बैटरी बनानी है, नाइट d2 और रुक e8। ये पोजीशन 19 मूव के बाद ब्लैक काफ़ी ज़बरदस्त अटैकिंग पोजीशन में है। कई बार यहाँ पे g5 करके भी अटैक होता है, f5, g5 और पॉन अटैक भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये पोजीशन से काफ़ी गेम्स खेल के देख लीजिए, बहुत मजा आएगा मार्शल अटैक खेलने में। और भी बहुत सारे वेरिएशन है जो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो वीडियो पूरी लाइन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें दोस्तों। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।